देसाई के साथ नवीबई की पहली इमारत का पुनर्निर्माण शुरू। एमएलए गणेश नाइक ने किया दत्तगुरु सोसाइटी का भूमि पूजन। जर्जरता का दंश झेल रही नेरुल सेक्टर 6 की दत्त गुरु सोसाइटी नवीबई की पहली इमारत बन गई है, जिसका 2.5 FSI के साथ रीडेवलपमेंट प्रारंभ हुआ है। आज इस सोसाइटी के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक के हाथों किया गया। यहां पूर्व सांसद संजीव नाइक समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। शिलान्यास के अवसर पर विधायक गणेश नाइक ने कहा कि लंबे समय से हम नवीबई की जर्जर इमारतों के रीडेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं, जहां रहवासी जान का जोखिम लेकर जी रहे हैं। दत्तगुरु से इसकी शुरुआत हुई है। गणेश नाइक ने उम्मीद जताई कि जल्द ही वासी और दूसरे इलाकों की अन्य जर्जर इमारतों के कायाकल्प का भी शुभारम्भ होना चाहिए। 1990 नवीबईतल्या काही इमारती जीर्ण झाल्या होत्या, धोकादायक होण्याच्या परिस्थिती झाल्या होत्या। 95 कालखंड गेला, 2000, 2010, 2015, आता ह्या 2.5 FSI इतिहास तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। मी त्याच्यात पुनरावृत्ती करू इच्छित नाही, परंतु त्या कालखंडामध्ये त्याची सगळी कागदपत्राची पूर्तता झाली। परंतु माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या कालखंडात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 2.5 FSI मंजूर केला, शेवटी तो मान त्यांना मिळाला, कोणाला, देवेंद्रजी फडणवीसांना। आणि त्याचाच पुढचा भाग म्हणून आता महानगरपालिकेने ज्या ठिकाणी सर्व गोष्टींची पूर्तता होते अशा सोसायट्यांना CC देण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। इथल्या परिसरातले माजी सहकारी सूरज पाटील यांनी ही दत्तगुरी कॉपरेटिव्ह सोसायटी याला पूर्णत्व मिळण्याकरता त्यांचे अध्यक्ष बागल आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी अतोनात प्रयत्न केले। माझ्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून खरोखर आनंद वाटतो। नवी मुंबईमधली 2.5 FSI सह निर्माण होणारं आणि ज्याचं फाउंडेशन झालं असं, म्हणजे काही अन्य काही लोकांना मिळाले असतील, परंतु काही ना काही अजून CC मिळण्याकरता प्रॉब्लेम असू शकतील, परंतु ह्या ठिकाणी परिपूर्ण परवानग्या घेऊन या ठिकाणी कामाला सुरुवात होत आहे। बताना जरूरी है कि वासी की JN1 और JN2 के अलावा नवीबई में दत्तगुरु जैसी हजारों इमारतें ऐसी हैं जिन्हें धोखादायक घोषित किया गया है। इनके लिए राज्य सरकार ने 2.5 FSI की पुनर्विकास मंजूरी दी है। निवर्तमान नगर सेवक सूरज पाटिल ने कहा कि दत्तगुरु के लिए कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं, जिसके बाद यह सुखद सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस सफलता के लिए लोक नेता गणेश नाइक के साथ ही रहवासियों के संघर्ष को भी श्रेय दिया और रीडेवलपमेंट पर खुशी जाहिर की। 7 साल पहले ये सोसाइटी को भी वही सपना जो 2.5 में हमारे घर होंगे, क्योंकि बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता थी और सोसाइटी रहने लायक नहीं रही थी। सड़कों की दुर्धर परिस्थिति में इमारत गृह निर्माण अच्छा नहीं था और इस मुसीबत से वो चल रहे थे। 5 साल पहले हम लोग नगर सेवक बढ़े यहाँ पे और इन्होंने ये समस्या हमें कही, तो ये गुहार हमने शासन में सिडको या पालिका सभागृह में इनकी पूरी आवाज़ बुलंद की। गणेश नाइक साहब के माध्यम से जो जो स्तर पे इनकी जो कठिनाई थी वो दूर की और आज ये अच्छा दिन आया है। ये ना कि दत्तगुरु सोसाइटी का आज भूमि पूजन है, पर हर एक वो नवीबई करके सपनों का भूमि पूजन है जो 2.5 FSI में मतलब अपने बिल्डिंग का पुनर्निर्माण के लिए वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, आज उनके स्वप्न पूर्ति हुई है और आज जाके उस सपने को पूर्ण करने के लिए हमारी कोशिश और इन सभी रहवासियों की जो दिल से हमारे ऊपर रखी हुई विश्वास की कोशिश वो पूर्ण तो हुई है। निश्चित हर समय सभागृह में इनकी आवाज़ बुलंद करते हुए बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई। सबसे बड़ी बात यही हो कि सड़कों की गलती सड़कों मान नहीं रही थी, हमने उनको गलती का एहसास दिलाया और 400 मीटर का इनका और भूखंड इनको दिलवाया, तो ये बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरा हुआ ये प्रकल्प है और निश्चित तौर पे पहला प्रकल्प है नवीबई का, तो यहाँ से तो लाइन खड़ी होगी
आने वाले दिनों में बहुत सारे भूमि पूजन होंगे, पर ये इतिहास में लिखा हुआ दिन लिखा जाएगा कि नवी मुंबई पुनर्निर्माण आज से शुरू हुआ। वहीं शिवसेना के बेलापुर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने भी यहां भेंट दी और रहवासियों को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले ये जो दत्तगुरु सोसाइटी के सभी रहवासी हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि वो नवी मुंबई के स्तर पर ये जो इनको बांधकाम परवानगी सीसी कमिश्नमेंट सर्टिफिकेट जो मिले, ये पहली घटना है, ये पहली सीसी मिली है जो उनके आर्किटेक्ट है मिस्टर शफीक भाई और उनके सारे सहयोगी, उन्होंने जो मेहनत की कड़ी उसका मैं गवाह हूँ। और मैं भी कुछ उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और इसी सिलसिले में या उसी रिलेशन में आज मैं उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ के रहवासी और उनके आर्किटेक्ट, उनके पीएमसी, उनका मैं आज यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। वहीं सोसाइटी के चेयरमैन राजेंद्र बागल, सचिव राजकुमार पाटिल एवं तमाम रहवासियों ने कहा कि इमारत की जर्जरता के कारण उन्होंने अब तक असीम पीड़ा झेली है। इमारत के पुनर्विकास से उन्हें 12 साल की पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। उन्होंने इसके लिए अपार खुशी भी जताई। देखो, सबसे पहले जब कष्ट कर झेलना पड़ता है तो उसके बाद खुशी का दिन आता ही है। लास्ट 12 साल हमने बहुत कष्ट किया है, बहुत मुसीबत आए गई। बागल सर, उनके साथ हम सब पदाधिकारी, हमारे नगर सेवक, जिन्हों लोगों ने हमें साथ दिया है उनका पहला मैं आभार कहूँगा। नगर पालिका छिड़को, यहाँ हमें इतनी तकलीफ हो गई है 12 साल में, हमेशा नगर पालिका में जाना, कभी कभी हमें बाहर भी निकाल दिया। और इतना करने के बावजूद यहाँ के लोगों ने भी, कई लोग आया कि तुम्हारा प्रकल्प नहीं होने वाला, बहुत दुखी लोग थे। और हम बिना पानी के वजह से, बिना लाइट के वजह से कई दिन इधर काट दिए। और इनके बाद आज हमें एक यह खुशी का दिन आ गया है, तो हमें जैसे लोगों के लिए दिवाली और दशहरा है, वैसा ही हमारे लिए दिवाली दशहरे का ही दिन आज का दिन है हमारे लिए। गेले 8-10 वर्ष आम्ही अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या इमारतीमध्ये राहत होतो। कधी इमारत पडेल आणि आम्हाला कधी काय होईल हे सांगता येत नव्हतं। त्या दरम्यान आम्हाला सिडकोकडून, महानगरपालिकेकडून नोटीस आल्या, घरी खाली करा, पाणी तोडण्यात आलं, लाईट MECBने लाईट तोडली, तरी पण आम्ही काही दिवस राहत होतो। आणि त्यानंतर अतिशय वाईट परिस्थिती राहून आम्हाला चांगला दिवस बघायला मिळतो, ह्यातच आम्हाला आनंद आहे। संघर्ष सगळ्या लोकांनी केलेला आहे, अध्यक्षांनी तरी भरपूर म्हणजे त्रास घेतलेला आहे, त्या त्रासातनं आता 8-9 वर्ष झाली इथपर्यंत पोचला, म्हणून भरपूर आम्हाला खुशी झालेली आहे। जोपर्यंत आम्ही राहायला येत नाही तोपर्यंत, आणि राहायला आल्यानंतर पण आनंद होईल, तर आत्ता भरपूर आनंद झालेला। खाली करणे के लिए कहा था, तभी भी बहुत सारे लोग बिना पाणी के एक महिना तक कैसे रहे, बाद में बिजली भी कटवा दी गई। बिजली कटवाने के बाद भी बहुत से लोग यहाँ पर है जिनका मतलब बाहर रहने के लिए पैसे भाड़ा देने के लिए नहीं थे, ऐसे लोग बहुत दिनों तक यहाँ रहे। लेकिन इतने दिनों के बाद बहुत कोशिश की, बहुत सारी तकलीफें आ गई, समस्याएं थी, लेकिन उन सारी समस्याओं को पार करके आज यहाँ पहुँचे हैं। बहुत खुशी हो रही है, आज जो है देख रहे आज का दिन वो किसी एक के कारण नहीं है, सभी ने इसके लिए बहुत तकलीफें सही है और आज जाके ये सबको दिन देखने के लिए मिला है, बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। 10 वर्ष आज आम्ही खूप त्रास काढला आहे, खूप म्हणजे खूपच। आणि आता 10 वर्षानंतर आज जो प्रोग्राम झाला त्यामुळे आम्हालाच काय सगळ्यांना आनंद झालेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।